जनता ने वोट डाले हैं और क्या यहां बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा, इसके लिए और इंतजार करना है शाम तक। लेकिन ये फिलहाल शुरुआती चार सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस जो है आगे नजर आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस चार सीटों पर आगे नजर आ रही है। हरियाणा में ये चार सीट भी अगर आगे नजर आ रही है कांग्रेस, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर आपने देखा होगा बीते कई दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में नजर आए थे। खिलाड़ियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे थे, कई बड़े खिलाड़ी पैरालंपिक से खेल के आने के बाद मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी से, जिसमें कि विनेश फोगाट को भी आपने देखा। इसका असर कितना पड़ा है चुनाव पर, वो फिलहाल पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है शुरुआती समय में देखा जा सकता है। और चार सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे नजर आ रही है हरियाणा में। और इसी के साथ जम्मू का भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं लगातार। जम्मू में बीजेपी एक सीट से आगे नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में एक सीट से बीजेपी आगे है फिलहाल, तो हरियाणा में बीजेपी दो सीट पर, कांग्रेस छह सीट पर आगे नजर आ रही है। तो ये जो टैली है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस पर भी देखिए, ध्यान दीजिए, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कितनी सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और कितनी सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो दूसरी तरफ जम्मू में भी आबिद मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। आबिद, बड़गाम की अगर बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई बड़े फेसेस बड़गाम से आते हैं और कई बड़े फेसेस का जो देखें तो किस्मत जो है आज देखनी होगी कि चमकेगी या नहीं चमकेगी। जम्मू के, जम्मू कश्मीर के ऐसे कई इलाके हैं जो बहुत ज्यादा दूर नहीं एक दूसरे से। अमूमन हम देखते हैं कि मोस्टली राज्यों में एक जिला से दूर है दूसरा जिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जहां एक तरफ पूरा माहौल होता है, वैसा ही माहौल आगे आसपास के शहरों में भी दिखाई देता है। तो क्या बड़गाम में भी कुछ ऐसी स्थिति है? बड़गाम में जो आगे नजर आएगा उसके आसपास के इलाकों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि बड़गाम सेंट्रल कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है और सिटी से महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बड़गाम में आपके आता है, यहाँ का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो बड़गाम में आता है, यानी अगर हम कहेंगे बड़गाम सेंटर की हैसियत रखता है, मरकज की हैसियत रखता है, काफी अहमियत का हामिल है। और यहाँ पर इस मरतबा क्योंकि बड़गाम की जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपने देखा होगा जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्ला, वो इस सीट से लड़ रहे थे 2002 से, लगातार उन्होंने इस सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस में खाते में दिया। लेकिन इस मरतबा चूंकि वो पार्लियामेंट में गए और पहली मरतबा यहाँ पर उमर अब्दुल्ला इस मरतबा इस सीट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और उनके सामने जो लीडर है पीडीपी का वो पहली मरतबा सियासत में आए हैं और जम्मू कश्मीर अंजुमन शहरी शियान के जो सदर है उनके वो फर्जंद है, यानी उनका भी बोलबाला है। ये मुकाबला कांटे का होने वाला है क्योंकि आज गिनती का अमल है, क्योंकि काउंटिंग का अमल शुरू होगा और कुछ ही देर में जो इनिशियल ट्रेंड्स है वो भी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांटे की नजर इस सीट पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सियासत को लेकर आज फैसला होगा, क्योंकि यहां पर जो भी नतीजे होंगे वो फैसला करेगा उमर अब्दुल्ला की जो सियासी तकदीर है। ठीक है, बड़गाम में मैं ये देख पा रही हूं आबिद, सवाल मैं आपसे जारी रखूंगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है हरियाणा से। चार सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है और ये देखिए, चार सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है इस वक्त हरियाणा में, और जम्मू में बीजेपी तीन सीटों पर आगे नजर आ रही है और अदर्स के खाते में एक। तो दूसरी तरफ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, तो छह सीटों पर जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है वो आगे नजर आ रही है। हरियाणा में आठ पर कांग्रेस आगे है, तीन पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, और इस तरह धीरे 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 ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रही हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं हम जानकारी। हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस फिलहाल आगे नजर आ रही है, आठ सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे नजर आ रही है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर की भी आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं ये टैली, जहां इंडिया गठबंधन आठ, बीजेपी चार, पीडीपी एक, अदर्स दो। पीडीपी भी पीछे नहीं, पीडीपी भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है यहां पर। तो ये दो टैलियां आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इन दो टैलियों के जरिए अभी फिलहाल आप जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उसको देखेंगे तो समझेंगे कि कितना फर्क दोनों ही राजनीतिक दलों में नजर आ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी को अच्छी खासी सीटें आई थी जब चुनाव हुए थे पिछले बार, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या वही आंकड़े वापस दोहराए जाएंगे या नहीं, कितनी चुनौती रहने वाली है। आबिद मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद, बात करें अगर स्टेट पार्टीज की, तो
तो बहुत ज्यादा महत्व उनका रहता है, और इस बार तो बहुत से ऐसे नए पार्टीज भी हैं जो बनाई गई हैं, जिनमें कि कई बड़े नेता आधे तो पीडीपी के हैं, आधे से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो इस तरह हम देखें तो बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़कर अपनी एक स्टेट पार्टी बना ली है। इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार आबिद? आपने भी देखा होगा यहाँ पर क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट्स मैदान में है। हाँ। यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, या अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, और कई तरह के जो बयानबाजी है वो भी हमने देखी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उनकी जानिब से जो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बीजेपी का प्रॉक्सी करार दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये सब सियासत थी, ये सब बातें थी, आज जब नतीजे होंगे, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत हासिल करते हैं तो ये वाजा होगा वो किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इन पर टैग एक दिया गया था बीजेपी प्रॉक्सीज। लेकिन आज साफ होगा, क्योंकि अगर नतीजे इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हक में आते हैं, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि ये कैंडिडेट्स कहां जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने कल भी देखा, कहीं ना कहीं पीडीपी ने अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी अगर हम कहेंगे इंडिया ब्लॉक को प्रोवाइड किया। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमें जरूरत नहीं, अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी हम फिर भी पीडीपी का साथ लेंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे बीजेपी को बाहर रखने की कोशिशें की जा रही है इंडिया ब्लॉक में। लेकिन आबिद, मेरे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं अनिल राठी। अनिल, फरीदाबाद में कैसे सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या माहौल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, और हरियाणा में थोड़ा निराशा, जैसे कि एग्जिट पोल्स में हमने देखा था बीजेपी को निराशा हाथ लग सकती है हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में भी जो है वो मतगणना की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे सबसे पहले बात करी जाए तो बैलेट पेपर जो है वो उनकी मतगणना होगी, उसके बाद जो है वो ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा, और फिलहाल जो है वो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और बात करी जाए जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो एक उत्साह दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की बात कर जाए चाहे कैंडिडेटों की बात कर जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर उसके अंदर है, एक चिंता जरूर है। हालांकि अभी तक जितने भी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, बात करी जाए तो तमाम उम्मीदवारों का एक ही कहना है कि हम पूरे तरीके से जीत रहे हैं और सरकार हमारी दोबारा से जो है वो हैट्रिक लगाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी तक उनके हौसले पूरे तरीके से बुलंद हैं, और हालांकि कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि अच्छी फाइट में हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, और संभावना भी उनकी है कि कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल देखिए ईवीएम मशीनें खुलेंगी, और इसके बावजूद लगभग 17 से 18 राउंड जो है वो पूरे तरीके से काउंटिंग होगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस पार्टी को जो है वो जीत मिलती है और किस पार्टी को हार मिलती है। जी ठीक है अनिल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल्स बीजेपी के लिए बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हैं। अभी मौजूदा समय में जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उसमें भी हम देख सकते हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस ही आगे नजर आ रही है। अब 17 हो गए हैं आंकड़े, 17 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है और 8 पर बीजेपी है फिलहाल हरियाणा में। तो वही बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो जम्मू कश्मीर में 10 और बीजेपी 8, 1 पीडीपी अदर्स के खाते में 2। आबिद, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ अमूमन हम देखते हैं कि जो अदर्स वाला एरिया होता है, कैटेगरी होती है, वो इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है, कि वो 1 या 0 तक ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन जम्मू में धड़ाधड़ बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड है, ये रुझान बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से आपको पता है अभी अगर हम देखेंगे इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस, क्योंकि अभी तकरीबन 10 सीटों पर आगे चल रही है, और अगर हम बीजेपी की बात करें जम्मू कश्मीर में 8 सीटों पर अभी वो आगे चल रही है, पीडीपी 1 सीट पर, अदर्स 2 सीट पर। क्योंकि ये इनिशियल ट्रेंड्स है, ये बदलते जाएंगे क्योंकि आने वाले वक्त, क्योंकि इस मरतबा जिस तरह से हम पहले ही कह चुके थे अदर्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एआईपी के कई सारे मैदान में है, क्योंकि ये वाजह है अदर्स का जो ट्रेंड्स है वो भी कहीं ना कहीं तब्दील होता जाएगा, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड्स तब्दील हो रही है। लेकिन वाजह है क्योंकि यहाँ पर अदर्स का भी एक असर रहेगा,
क्योंकि हमने देखा उमूमन अदर्स की जो इनिशियल ट्रेंड्स थी या कुछ भी हो वो जीरो या सिंगल डिजिट में ही रहती थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है थोड़ा बहुत क्योंकि कुछ देर तक इनिशियल ट्रेंड्स में भी जो अदर्स है उनकी अच्छी खासी काउंट रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि हम यहाँ की सियासत की बात कर रहे थे, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की सियासी तकदीर का आज फैसला होने वाला है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि कई सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे पीडीपी ने कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट ऑफर किया, फारूक अब्दुल्ला ने कहा अगर हमें जरूरत भी ना पड़ी हम पीडीपी को अपने साथ लेने को तैयार है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर रखने की पूरी तरह से जो इंडिया अलायंस है एनसी प्लस है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन आज फैसला होगा, आज तस्वीर साफ होगी क्योंकि बीजेपी कह रही है दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई और यहां पर जो दूसरी जमात है कांग्रेस हो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो वो कह रही है कि जो लोग बाहर आ रहे हैं वोट करने के लिए, कई सारे लोग तशरीह मुहिम में हुए कैंपेन के दौरान बाहर। फरीदाबाद में विपुल गोयल, लखन कुमार और नरेंद्र कुमार कितना प्रभाव डालते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि विपुल गोयल एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो कि फरीदाबाद 89 विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ा उन्होंने, और उसके साथ साथ लखन कुमार सिंगला भी जो है वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, तीसरी बार जो है वो चुनाव मैदान में है, विधानसभा के चुनाव में फाइट कर चुके हैं। हालांकि दो बार उनको जो है वो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार फिर दोबारा से जो है वो उनकी उम्मीद है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मैं एक रिएक्शन लूंगी अनिल आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से कि अभी मौजूदा समय में कांटे की टक्कर है 12 सीट पर रुझानों में, जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, बीजेपी 11 सीट पर आगे चल रही है। आबिद, क्या पॉसिबिलिटीज है? कहीं कहीं पर एग्जिट पोल्स में यह भी दिखाया गया था कि कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में होगी, दोनों ही बहुमत से थोड़ा पीछे भी रह सकते हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन बड़गाम में लग रही है आपको और जम्मू कश्मीर ओवरऑल बात करें तो? देखिए, क्योंकि बीजेपी ने अगर हम देखेंगे कश्मीर में ज्यादातर जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में नहीं उतारे। बड़गाम की अगर हम बात करें, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे वो थे, खान साहिब की बात करें, चरार शरीफ की बात करें, और इसके अलावा क्योंकि जो बाकी 3 सीटें थी वहां पर बीजेपी का कोई लीडर नहीं था, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया, महा एग्जिट पोल न्यूज 18 का भी आया, और कहीं ना कहीं अगर हम कहेंगे उस पर तो अंदाजा लगाएंगे वो कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल उस पर क्योंकि खासी नजर रहेगी, क्योंकि जो आंकड़े हमने तकरीबन बताए तकरीबन वो रह सकता है, क्योंकि आपने बात की आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर की हर सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस, ये तो वाजह है, इंडिया अलायंस का जो ट्रेंड्स में थोड़ा क्योंकि जिस तरह से वो अभी चल रहे हैं, कांटे की टक्कर हो रही है, ये ऊपर नीचे होता जाएगा, लेकिन ये भी बात साफ है, ये भी क्लियर है क्योंकि कश्मीर में बीजेपी के हर सीट पर लीडर नहीं थे, हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो है इंतजार। थोड़ा भी हमें और इंतजार करना होगा। आबिद, विस्तार से आप बता भी रहे हैं कि किस तरह के समीकरण यहाँ बन रहे हैं, कौन कितना प्रभाव डालता है। आबिद, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। अनिल, आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।